हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर और यूनिट नंबर 4 एमएस पावर पॉइंट। चलो देखते हैं उसमें। आई एम वर्किंग ऑन पावर पॉइंट एंड मेकिंग अ स्लाइड शो फॉर माय स्कूल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि मैं एक पावर पॉइंट है ना, उसमें वर्किंग कर रहा हूँ और मैंने उसमें स्लाइड शो बनाया हुआ है जो मेरी स्कूल का है, मैं जो फंक्शन होता है ना उसके लिए। चलो देखते हैं उसमें क्या है आगे। पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इट इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस शूट, इट इज मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड रनिंग द स्लाइड शो। ठीक है, अब क्या है, पावर पॉइंट है ना वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस होता है ना। ठीक है, हमने पूरा एमएस ऑफिस में देखा था, एमएस एक्सेल देखा था, वर्ड देखा था, तो अब तीसरा है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, वो उसी का भी एक पार्ट होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है कि पावर पॉइंट है ना वो सबसे ज़्यादा यूज किस लिए होता है, तो सबसे ज़्यादा यूज ना स्लाइड शो होना होता है ना उसके लिए होता है। अब देखते हैं लर्न मोर में। पावर पॉइंट वॉज क्रिएटेड इन 1987 एंड वॉज ओरिजिनली कॉल्ड प्रेजेंटर। ठीक है, अब पावर पॉइंट है ना वो 1987 में क्रिएट हो चुका था और उसको पहले क्या बोलते थे, पहले उसको कहते थे प्रेजेंटर। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। स्लाइड, स्लाइड क्या होती है? अ स्लाइड इज लाइक अ पेज ऑफ अ बुक कॉन्स्टिट्यूटिंग टू ऑफ अ टेक्स्ट एंड ग्राफिक, इट मे ऑल्सो इंक्लूडेड ऑडियो वीडियो एंड एनिमेशन फॉर क्रिएटिंग अ नाइस इंप्रेशन। फॉलोइंग इज अ पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड क्या होती है, तो जो स्लाइड होती है ना वो एक हमारे पेज की तरह होती है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं, साथ साथ हम ग्राफिक्स हैं वो भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश को ही हम कहते हैं स्लाइड। ठीक है, तो ये जो इमेज है ना वो स्लाइड शो की इमेज है। ठीक है, स्लाइड होता है ना उसकी इमेज है। चलो देखते हैं नेक्स्ट में प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल स्लाइड दैट आर क्रिएटेड अगेंस्ट अ टॉपिक। जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम कोई कुछ भी क्रिएटिंग करते हैं ना उसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जांपल में। फॉलोइंग आर 6 पावर पॉइंट स्लाइड दैट टीचर्स हैज क्रिएट फॉर हिज लेक्चर। तो यहाँ पे 6 ऐसी स्लाइड्स है जो टीचर ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर होता है ना उसके लिए क्रिएट करके रखी हुई है। कलेक्टिव ऑल दीज 6 स्लाइड आर टर्म एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि ये हर स्लाइड को हम अगर इकट्ठा कर ले, एक जगह पे इकट्ठा कर ले तो उसको कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, वो कलेक्टिव ऑफ स्लाइड्स होता है। ठीक है, यानी कि स्लाइड का इकट्ठा गया हुआ एक जूथ। ठीक है, एक ग्रुप। आगे देखते हैं स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, चलो यहाँ से ही देखते हैं। पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। तीसरा स्टेप है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वाला फोल्डर होगा उसमें जाना है और उसी में हमें मिल जाएगा पावर पॉइंट 2013। ठीक है, जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलो उसके में देख लेते क्या है। तो ये जो है वो है क्विक एक्सेस टूल बार, फिर ये है हमारा टाइटल बार जिसमें डॉक्यूमेंट का नेम होता है। ठीक है, डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट्स ही होता है। ये है रिबिन, ठीक है, जिसमें कई सारे मेनूज होते हैं, कई सारे जैसे हेडर्स भी होते हैं। अब देखते हैं स्लाइड नेविगेशंस होते हैं। ये है करंट स्लाइड, ठीक है, यानी कि हम इस स्लाइड में जो भी वर्क करेंगे ये नेविगेशन में भी हमें बताएगा। ये है स्टेटस बार, व्यू बार, स्लाइड डिस्प्ले और प्लेस होल्डर। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें पावर पॉइंट में होती हैं। क्रिएटिंग अ फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, हम फर्स्ट स्लाइड है उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर इनवोकिंग पावर पॉइंट अ ब्लैंक स्लाइड एज शोन बिलो इज शोन ऑन द स्क्रीन, एंटर द टेक्स्ट, इंसर्ट अ ग्राफिक एंड अनदर ऑब्जेक्टिव डिजायर। अब क्या है कि जो हमारे सामने जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह की एक ब्लैंक स्लाइड है वो क्रिएट होके आ जाती है, तो उसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, पिक्चर्स एडिट कर सकते हैं, या तो जो वीडियोग्राफ्स आते हैं ना यानी कि जो छोटे वीडियोस होते हैं 1-2 सेकंड के, उसको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक है टाइटल प्लेस होल्डर
और दूसरा है टैक्स प्लेस होल्डर, यानी कि यहाँ पे हम हमारा जो भी एसे होगा उसका टाइटल डाल सकते हैं और यहाँ पे उसका एसे लिख सकते हैं। एंटरिंग द टैक्स, टैक्स को किस तरह से एंटर किया जाता है, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू इंक्लूडिंग टैक्स इन द स्लाइड शो। ठीक है, हम स्लाइड में नीचे के जो स्टेप है ना उसके थ्रू स्लाइड में एडिट कर सकते हैं। चलो देखते हैं, फर्स्ट स्टेप है क्लिक इन द टाइटल प्लेस होल्डर एंड टाइप द टाइटल। ठीक है, हमें क्या करना है, टाइटल प्लेस होल्डर होता है ना उसमें क्लिक करके टाइटल को एडिट कर देना है, और उसी तरह से टैक्स में क्लिक करके टैक्स को भी हम एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं सिलेक्टिंग द प्लेस होल्डर, अब हम प्लेस होल्डर हुए हैं उसको किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी प्लेस होल्डर कैन बी सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इन इट। ठीक है, कोई भी प्लेस होल्डर होता है यानी कि कोई भी ऐसा टैक्स बॉक्स होता है उसमें हम कहीं पर से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कहीं भी जगह से। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं पर जितनी भी जगह है ना उसकी वहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। When it is selected, it is surrounded by handles as shown as below। जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगी ना तो वो एक हैंडलेस की तरह हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह से एक हैंकर आ जाएगा जिसको कहते हैं रोटेट हैंडल। ये है प्लेस होल्डर बॉर्डर, ये है हैंडल और ये है कॉर्नर हैंडल। ओके, यानी कि इससे हम प्लेस को चेंज कर सकते हैं, इससे हम ये हैंडल है जिसकी हम विथ बढ़ा सकते हैं, ये है जो लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, वो दोनों ही हम बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं मूविंग द प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर है उसको किस तरह से मूविंग कर सकते हैं। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द प्लेस होल्डर बॉर्डर एंड ड्रैग इनटू अनदर लोकेशन। अब क्या है कि अगर हमें जो मूविंग होल्डर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं ड्रैग और ड्रॉप की मदद से। अब देखते हैं चेंजिंग द हाइट ऑफ द प्लेस होल्डर। ठीक है, हम इसकी हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सिंपली क्या करना है, जो भी हाइट टू प्लेस होल्डर है ना उसमें माउस पर जो माउस का पॉइंटर होता है ना वहाँ पे ले जाना है, उसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना है। तो ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल बॉर्डर उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब की टेढ़ी लाइन, वर्टिकल मतलब खड़ी पाई। चलो देखते हैं आगे चेंजिंग द विथ ऑफ प्लेस होल्डर। ठीक है, यानी कि इसकी साइज को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो हमें उसकी विड बनाने के लिए जो विड का पॉइंट होता है ना, ठीक है, उसमें हमें माउस पॉइंटर ले जाना है, वहां पे क्या करना है क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और छोड़ देना है। तो क्या होगा, उसकी जो वर्टिकल होगी, ठीक है, हमने पहले हॉरिजॉन्टल बढ़ाई थी, अब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ी पाई, तो अब उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं साइजिंग द प्लेस होल्डर इन द प्रपोर्शन। ठीक है, यानी कि हम उसके प्रॉपर, यानी कि जितनी हमें लेंथ बढ़ा दी है ना उतनी ही विड्थ भी बढ़ानी है, तो वो किस तरह से बढ़ेंगी, सिंपली जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ना यहाँ पे कॉर्नर वाला पॉइंट था, उसमें क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देना है, तो उसकी जो हाइट और विड्थ है, ठीक है, यानी कि जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है ना वो दोनों ही बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं रोटेटिंग द प्लेस होल्डर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमारा जो शेप है, जो टैक्स है ना उसको रोटेट करना है, यानी कि मूव करवाना है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है इस तरह से। ठीक है, पहले हमने इस तरह से सीधा लिखा था, अब हमें थोड़ा सा अपर लेना है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा है, लिखा था। ठीक है, तो अब हमें ऐसा लिखना है, तो वो भी हम कर सकते हैं किसकी मदद से, जो रोटेटिंग प्लेस होल्डर होता है ना उसकी मदद से कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करके हम थोड़ा सा राउंड शेप में घुमाना है तो क्या होगा, वो प्लेस है वो चेंज कर लेगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं लॉन मोर में। अ प्लेस होल्डर इज अ डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इंडिकेटेड अ लोकेशन वेयर टैक्स ग्राफिक और वीडियो कैन बी इंसर्ट। जो प्लेस होल्डर होता है ना वो डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स में होता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जो टैक्स बॉक्स होता है ना उसमें टैक्स एडिट कर सकते हैं, ग्राफिक एडिट कर सकते हैं और वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी दिखता है कि ये जो बॉक्स है वो डॉटेड में है। ओके, तो इस तरह से वही हमें बात बता रहे हैं। अब देखते हैं चेंजिंग फॉन्ट टाइप, हम फॉन्ट टाइप है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से हम वर्ड में चेंज करते थे उसी तरह से पावरपॉइंट में करेंगे। सिंपली क्या करना है, हमें जो भी टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है, उसमें उसको सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, ठीक है, फॉन्ट वाले रिबन में जाना है और डिजायर ऑप्शन में से हमें कोई भी एक ऑप्शन पसंद कर लेना है। जैसे ही पसंद करेंगे तो क्या होगा, हमारे टेक्स्ट से वो चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये ओरिजिनल है और यहाँ पे ये आफ्टर चेंज है। ओके,
अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को चेंज करने तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें टेक्स्ट को चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, फॉन्ट साइज नाम के जो भी रिबिन है उसमें जाना है, उसकी उसमें से हमें जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा बढ़ा के ले लेनी है, ठीक है। और फिर क्या होगा, हमें चेंज हुआ देखेगा, जैसे कि एवरेस्ट में स्मॉल साइज थी ये ओरिजिनल है और अब नई साइज में आ गई है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग द कलर ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट का कलर हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो सिंपली क्या करना है, जो भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, होम टैब में जाना है, वहां पे हमें कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मिलेगा, ठीक है, जैसे कि ये रहा और उसमें से हमें कोई भी कलर को पसंद कर लेना है, जो भी हमें पसंद है वो, और ओके बटन पे क्लिक करते क्या होगा, जैसे कि एवरेस्ट पहले ब्लैक कलर का था, आफ्टर कलर के बाद हमें रेड कलर का मिल गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, यानी कि हमें कोई बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो वो किस तरह से करना है, सिंपल क्या करना है, टेक्स्ट को जो भी हमें टेक्स्ट को चेंज करना है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर होम टैब में जाना है, वहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना BIU, बी से हम बोल्ड कर सकते हैं यानी कि डार्क लेटर आएंगे, फिर आई से क्या होगा इटैलिक होगे, ठीक है, थोड़े से टेढ़े हैंडराइटिंग होगे, और यू से क्या होगा अंडरलाइन होगी, ओके। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, देखो ये एवरेस्ट है वो बोल्ड किया हुआ है, डार्क है, फिर है कांचनजंगा है वो इटैलिक में लिखा गया है, और अन्नपूर्णा लिखा हुआ है तो क्या है वो है अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन की दी गई है। अब देखते हैं इंसर्टिंग ग्राफिक इन अ स्लाइड, ठीक है, हम ग्राफिक को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। ग्राफिक ऑब्जेक्ट आर लाइक पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, फोटोज एक्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द स्लाइड, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू इंक्लूडिंग द ग्राफिक इन द स्लाइड, ठीक है। तो ग्राफिक्स में क्या क्या आता है, तो ग्राफिक्स में हम कोई भी फोटो डाल सकते हैं, क्लिप्स डाल सकते हैं, ठीक है, फोटोज भी डाल सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा भी पिक्चर्स हम डाल सकते हैं उसमें। तो किस तरह से ग्राफिक्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना है, ठीक है, उसमें पिक्चर वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, उसमें क्लिक करना है और हमें जो भी पिक्चर पसंद है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो इस तरह से हमारा पिक्चर भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए एवरेस्ट का पिक्चर भी आ गया है। अब देखते हैं फॉर्मेटिंग द ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स से उसको किस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि उसको भी हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। When you select an image, the format tab under picture tool consecutively tab appear. The format tab shown many formatting option. Using this option, graphic can be formatted as follow. तो जैसे ही हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं ना, तो क्या होगा, पिक्चर टूल्स उसके नीचे एक फॉर्मेट टैब क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। क्या होगा, पिक्चर टूल्स है ना उसके नीचे ही एक फॉर्मेट टैब है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसकी मदद से हम पिक्चर्स को कई सारे जो चेंजिंग ऑप्शन है वो हमें देखने को मिलेंगे। चलो देखते हैं उसमें साइजिंग द पिक्चर, पिक्चर को किस तरह से हम साइज है उसकी बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इस तरह से टोटल हमें 6 डॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और उसकी मदद से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, इस तरह से, ओके। आगे देखते हैं मूविंग द पिक्चर, पिक्चर को किस तरह से मूव करना है, सिंपली क्या करना है, जो भी ये डॉटेड आ जाएंगे ना तब हमें पिक्चर को बीच में से ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहां पर भी मूव करवाना है वहां पे हम मूव भी करवा सकते हैं, तो इस तरह से मूविंग हो गया। अब देखते हैं ग्रुपिंग द पिक्चर, यानी कि पिक्चर को हमें कुछ कट करना है, ठीक है, काटना है तो हम किस तरह से वो काट सकते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। सिंपली क्या करना है, पिक्चर को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर फॉर्मेट मेनू में जाना है, वहां पे हमें मिल जाएगा ग्रुप नाम का ऑप्शन, ठीक है, ग्रुप नाम के ऑप्शन पे जाते हैं हम, टोटल 3, 6 और 2, 8 हमें ब्रैकेट मिलेंगे जिसकी मदद से हम ग्रुप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तीन पिक्चर में तीन हमें गर्ल्स दिख रही हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही गर्ल्स लेनी है, तो क्या होगा, हमें कट करना पड़ेगा इतना, ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑप्शन की मदद से हम कट कर सकते हैं। अब देखते हैं एडिंग अ न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड लेनी है तो हमें किस में जाना पड़ेगा, सिंपली होम टैब में जाना है, वहाँ पे हमें न्यू स्लाइड करके ऑप्शन दिखेगा उस पे, ठीक है, तो उसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि दो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, टाइटल विथ पिक्चर है, तो इस तरह से कई सारे और भी हमें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें जो भी स्लाइड चाहिए ना उसके ऊपर क्लिक करके इंसर्ट बटन पर प्रेस कर देना है, तो हमारी एक नई स्लाइड है वो ओपन हो जाएगी।
अब देखते हैं लर्न मोर में क्या है। यू कैन यूज कंट्रोल प्लस एम की शॉर्टकट टू एड ए न्यू स्लाइड, यानी कि आप कंट्रोल प्लस एम की को प्रेस करके भी एक नई स्लाइड है वो ले सकते हैं। अब देखते हैं रिमार्क्स में, यूजिंग द मेथड डिस्क्राइब अंडर एडिटिंग न्यू स्लाइड हेडिंग यू कैन एड एज मेनी स्लाइड टू द प्रेजेंटेशन एज अ रिक्वायर्ड। तो जो न्यू एड स्लाइड है ना, उसकी मदद से क्या होगा कि आपको जितनी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड चाहिए ना, उतनी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन कभी कभार छोटा होता है, कभी कभार बड़ा भी होता है, इसीलिए। आगे देखते हैं बच्चों नंबर टू वाला, फॉर ऑल द स्लाइड्स दैट यू क्रिएट अ मिनट स्लाइड विल अपियर इन द स्लाइड नेविगेशन पैनल। फॉर एग्जाम्पल, If you create a 10 slide, then 10 miniatures slides will appear in the slide navigation panel. ठीक है, चलो अब क्या है कि मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ कि अगर आपने 10 ऐसे स्लाइड्स ली है, ठीक है, सेम टू सेम, तो क्या होगा कि आपके सामने 10 ऐसे miniature हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि आपको ये जो नेविगेशन पैनल है ना, उसमें 10 स्लाइड्स हैं वो बताएंगी। ओके, अब देखते हैं सिलेक्टिंग अ स्लाइड, ठीक है, स्लाइड को किस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट अ स्लाइड, क्लिक ऑन इट्स थंबनेल इन द स्लाइड नेविगेशन। स्लाइड है, उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर भी हमें थंबनेल लिखने को मिलता है, जैसे कि मुझे माउंट एवरेस्ट की स्लाइड क्लिक करनी है, तो उसके ऊपर मैं जब सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे माउंट एवरेस्ट की पूरी स्लाइड देखने को मिलेंगी। ओके, क्लिक ऑन द थंबनेल, फिफ्थ मिनिएचर स्लाइड, द स्लाइड नेविगेशन पैनल टू सिलेक्ट इट, द स्लाइड दैट यू सिलेक्ट अपीयर इन द स्लाइड डिजाइन एरिया। तो क्या होगा कि जैसे ही हमने 5 नंबर वाली स्लाइड है वो सिलेक्ट करी, तो हमारे सामने जो स्लाइड डिजाइन एरिया है ना, वहाँ पे वो स्लाइड है वो अपने आप ही आ गई। ओके, अब आगे देखते हैं डिलीटिंग द स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंटेशन में कोई भी स्लाइड है वो डिलीट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना है, उस थंबनेल जो थंबनेल होता है ना, उसको सिलेक्ट करना है, डिलीट की है उसको प्रेस करना है, तो यहाँ पे हमारी स्लाइड है वो डिलीट हो जाएंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग द पोजीशन ऑफ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। हम जो स्लाइड्स होती है ना, उसकी पोजीशन किस तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे नंबर 1, 2, 3 स्लाइड्स है, ठीक है, तो मुझे 3 नंबर वाली स्लाइड है ना, वो 2 नंबर पे जाने देनी, तो किस तरह से होगा, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर वाली स्लाइड को सिलेक्ट करना है, फिर ड्रैग करना है, यानी कि माउस की मदद से मुझे ड्रैग करके यहाँ पे 2 और 1 के बीच में छोड़ देना है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा ना, तो स्लाइड है वो अपने आप ही इस तरह से आ जाएंगे, 3, 1, 3 और 2। ओके, तो ये हो गया पोजीशन चेंज वाला। अब हम देखते हैं डुप्लीकेट द स्लाइड, ठीक है, स्लाइड को हम किस तरह से डुप्लीकेट में कर सकते हैं। उसमें स्टेप नंबर 1 है, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड दैट इज टू बी डुप्लीकेट, ठीक है, हमें जो भी स्लाइड है डुप्लीकेट चाहिए उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट द डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, और वहां पे जो शॉर्टकट मेनू क्रिएट होगा ना, उसमें से हमें डुप्लीकेट स्लाइड वाला ऑप्शन हो ना, उसको सिलेक्ट करना है और वो डुप्लीकेट में क्रिएट हो जाएंगी। अब देखते हैं रनिंग स्लाइड शो, ठीक है, स्लाइड शो है वो किस तरह से रनिंग करना है, चलो वो देखते हैं। उसके लिए हमें स्टेप नंबर 1 में जाना पड़ेगा, क्लिक ऑन द स्लाइड शो आइकॉन प्रेजेंट ऑन द स्टेटस बार, ठीक है, स्टेटस बार पे हमें स्लाइड शो आइकॉन होगा, उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है, वो एक पहली मेथड है। अब दूसरी मेथड देखते हैं किस तरह से हम स्लाइड शो है वो रनिंग कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो टैब होता है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। नंबर 2 में हमें देखना है कि क्लिक ऑन द फ्रॉम बिगिनिंग कमांड, ठीक है, और हमें वहां पे लिखना है जो हमारा टैब है ना, वहां पे हमें क्लिक कर देना है जो लिखा होगा बिगिनिंग कमांड से, या तो हम लिखा है कि क्लिक ऑन द फ्रॉम करंट कमांड, यानी कि हम करंट कमांड है वहां से भी हम हमारा जो स्लाइड है वो शुरू कर सकते हैं, यानी कि शुरुआत से भी कर सकते हैं और करंट से भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमें कहां से मिलेंगे, हमें मिलेंगे स्लाइड शो टैब में, ठीक है, क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग कमांड एंड क्लिक ऑन फ्रॉम द करंट कमांड, तो दोनों ही शुरुआत होगी। चलो आप देखते हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो जो तैयार है उसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, फाइल बटन है ना, उसके ऊपर जो फाइल मेनू है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से लिस्ट अपीयर होगा, उसमें से हमें सेव एज नाम का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम उसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है,
वहाँ पे हमें हमारे फाइल का नाम डाल देना है, लोकेशन डाल देनी है और फिर सेव बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा, वो फाइल है वो हमारी सेव हो जाएंगी कंप्यूटर के अंदर ही। अब देखते हैं सेविंग ऑफ सेव्ड फाइल। ठीक है, हम सेव्ड फाइल है उसको किस तरह से सेविंग कर सकते हैं, यानी कि वापस हम किस तरह से सेव करेंगे। तो सिंपली जो क्विक एक्सेस टूल बार है ना, वहां पे सेव नाम का आइकॉन होगा, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके हम सेव कर सकते हैं। अब देखते हैं ओपनिंग एंड एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर में पुरानी प्रेजेंटेशन है तो उसको हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल स्टेप है। ठीक है, क्लिक द फाइल टैब, हमें फाइल टैब में क्लिक कर देना है। नंबर टू, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ठीक है, हमें ओपन ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। नंबर थ्री है क्लिक द कंप्यूटर ऑप्शन, हमें कंप्यूटर ऑप्शन में क्लिक कर देना है और फिर हमें ढूंढना है कि हमारी फाइलें को हमने कहाँ पे रखी थी। फिर फोर ऑप्शन है, ठीक है, क्लिक द ब्राउजर ऑप्शन, हमें ब्राउजर ऑप्शन में जाना है और फिर जैसे ही फाइल हमें मिल जाती है ना, तो उसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर लास्ट में जो ओपन वाला ऑप्शन होगा ना, उसके ऊपर क्लिक करते ही क्या होगा, जो हमारी फाइल है वो अपने आप ही क्या होगी, खुल जाएंगी, ओपन हो जाएगी। और ओपन के लिए हम शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस को, वो भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन है उसको किस तरह से क्लोजिंग कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, फाइल जो टैब है उसमें जाना है और लास्ट में ऑप्शन होगा क्लोज। ठीक है, जैसे ही क्लोज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक वार्निंग डायलॉग बॉक्स जो खुलेगा। ठीक है, उसमें तीन ऑप्शन होंगे, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो सेव पे ऊपर क्लिक करते ही वापस हमें सेव वाली प्रोसेस बताएगा, डोंट सेव पे क्लिक करते क्या होगा, प्रेजेंटेशन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्लोज भी कर सकते हैं। अब सीखता आते हैं बच्चों एक्सरसाइज में रिवाइज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उसमें क्या है, एमएस पावर पॉइंट इज अ टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पावर पॉइंट है वो क्या है, वो टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, गलत आंसर आएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये स्लाइड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें हम स्लाइड में एडिट कर सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, शोविंग स्लाइड वन बाय वन इज कॉल्ड स्लाइड शो। ठीक है, वन बाय वन करके हम जब स्लाइड को देखते हैं तो उसको स्लाइड शो कहते हैं, तो वो सही बात है। ठीक है, नंबर थ्री देखते हैं, बोल्ड बटन मेक्स द टेक्स्ट थिकर एंड डार्क। क्या होता है, बोल्ड बटन से जो हमारा टेक्स्ट होता है ना, वो थिकर होता है, यानी कि मोटे हो जाते हैं और डार्क भी हो जाते हैं। तो ये भी सही बात है, यानी कि ट्रू आंसर आएगा। नंबर फोर देखते हैं, टू व्यू स्लाइड शो क्लिक ऑन द होम टैब। हमें स्लाइड शो देखने के लिए होम टैब में जाना पड़ेगा, ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि होम टैब में ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, हमें या तो क्या स्टेटस बार में जाना पड़ेगा जो स्लाइड शो बटन है वहां पे, या तो हमें स्लाइड शो टैब होता है उसमें जाना पड़ेगा। अब देखते हैं, कलेक्शन ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्लाइड का कलेक्शन को प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो ये सही बात है, मैंने आपको भी पढ़ाया था। ठीक है, वहां पे उसमें एग्जांपल भी था कि सिक्स स्लाइड थी टीचर ने अपने लेक्चर के लिए। अब देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, हमें करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन से टैब में जाना चाहिए, तो वहां पे आंसर आएगा, ठीक है, फाइल टैब में जाना चाहिए। हमें नई स्लाइड के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, तो होम टैब है ना, ठीक है, उसमें जाना पड़ेगा होम टैब में। तीसरा देखते हैं, अगर वन बाय वन करके जो स्लाइड है वो हमारे सामने आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्लाइड शो। ठीक है, तीसरा देखते हैं आगे, नेक्स्ट, टू चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, हमें सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना है, तो कौन से टैब में जाना पड़ेगा, होम टैब में जाना पड़ेगा। ग्रुप एंड इमेज, ठीक है, हमें इमेज को कट करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, फॉर्मेट टैब होता है ना, ठीक है, जो पिक्चर टैब के नीचे अपने आप हो जाएगा, ठीक है, ओपन होता है वो। आगे देखते हैं बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, हमें शॉर्ट में आंसर देना है। चलो देखते हैं वो क्या है, कैन स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड ऑन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या स्लाइड शो है वो करंट प्रेजेंटेशन से स्टार्ट हो सकता है, तो यस आंसर आता है, यस वहां से शुरू हो सकता है। व्हाट विल यू डू टू राइट टेक्स्ट इन योर स्लाइड। ठीक है, आपको अगर आपकी स्लाइड में कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक टू एड टेक्स्ट। ठीक है, आपको उसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। ठीक है, स्लाइड के जो स्लाइड बॉक्स होता है ना, वहीं पे ही क्लिक कर देना है। ठीक है, आप आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, क्लिक टू एड टेक्स्ट। ठीक है,
आगे देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, वेयर डू यू फाइंड द आइकॉन टू स्टार्ट द स्लाइड शो। ठीक है, जब भी आपको स्लाइड शो शुरू करना होगा तो आप उसका आइकॉन कहाँ से ढूंढोगे, तो आंसर आएगा स्टेटस बार में से। ठीक है, या तो हमें रिबिन में से भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इज कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स कॉल्ड स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो जो स्लाइड होते हैं उसका कलेक्शन को हम स्लाइड शो कहते हैं, तो ये गलत बात है क्योंकि उसको तो हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। आंसर आएगा नो। नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर पॉइंट एंड व्हाट टाइप ऑफ टास्क डन यूजिंग द पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट क्या है और उसके द्वारा हम कौन से टास्क कर सकते हैं, तो हम सबको पहले ही यूनिट में पढ़ चुके हैं कि पावर पॉइंट का डेफिनेशन आ चुका था। ठीक है, स्लाइड का जो कलेक्शन होता है उसी को हम पावर पॉइंट कहते हैं, और पावर पॉइंट थ्रू हम हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो ये उसका आंसर है। अब देखते हैं, व्हाट इज अ स्लाइड इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड क्या होती है, तो वो एक ब्लैंक पेज की तरह होती है जिसकी मदद से हम उसमें पिक्चर, टेक्स्ट, कोई भी ग्राफिक्स है वो ऐड कर सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं, व्हाट इज अ ग्रुपिंग, हाउ डू यू ग्रुप एन इमेज इन पावर पॉइंट। ठीक है, ग्रुपिंग क्या है और आप पावर पॉइंट में किस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो बच्चों ये हमने ग्रुपिंग वाला टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है कि जो पिक्चर फॉर्मेट होता है उसके अंदर ही फॉर्मेट नाम का टैब होता है, उसमें से हमें ग्रुप नाम का जो बटन है वो मिल जाता है। अब देखते हैं, व्हाट इज अ स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या है, तो वो वन बाय वन करके जितनी भी हमारी स्लाइड है वो हमारे सामने आती है ना, जो हमें देखने को मिलती है उसी को कहते हैं स्लाइड शो। हाउ विल यू डिलीट अ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन में से फाइल को किस तरह से डिलीट करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, हमें जो भी स्लाइड है जिसको भी हमें डिलीट करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और डिलीट की को प्रेस करते ही वो फाइल है, जो स्लाइड है वो डिलीट हो जाएंगी। अब लास्ट देखते हैं, हाउ विल यू मूव द फिफ्थ स्लाइड टू थर्ड पोजिशन इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिफ्थ स्लाइड है उसको सिलेक्ट करके कर देना है, और टू और थर्ड के बीच में हमें डाल देनी है, ड्रैग करके छोड़ देना है, तो क्या होगा, वो मूव हो जाएंगी। आगे देखते हैं, हाउ विल यू इंसर्ट अ पिक्चर इन अ स्लाइड। ठीक है, आप पिक्चर है उसको किस तरह से स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, तो सिंपल क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, वहां पे हमें पिक्चर नाम का ऑप्शन दिखेगा, वहां से हमें कोई भी पिक्चर है वो पसंद करके इंसर्ट कर देना है, तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। हाउ डू यू सिलेक्ट अ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके। ओके, अब हमें कुछ यहाँ पे वापस एक्सरसाइज देखने को मिलती है, तो चलो देखते हैं उसमें क्या ऑप्शन है। तो पहला है सेविंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें सेव एज नाम के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अब देखते हैं, चेंजिंग कलर ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, फॉन्ट कलर में। ओके, चेंजिंग द साइज ऑफ टेक्स्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट को चेंज करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, फॉन्ट साइज में जाना पड़ेगा हमें, तो ये उसके ऑप्शन हो गए। इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम। ओके, या तो हम होम टैब में भी एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं, ओपनिंग एंड एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि जो हमें कोई भी फाइल है वो ओपन करनी है, वो किस तरह से ओपन होगी, तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, या तो हम जो फाइल टैब है ना उसमें से भी हम जा सकते हैं। लास्ट देखते हैं, एनेबल यू टू मूव नेक्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो। ठीक है, हम जो नेक्स्ट स्लाइड होती है ना उसको भी हम मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थंबनेल। अब हम देखते हैं दूसरा मैचिंग आगे। जैसे कि हमारे सामने है न्यू स्लाइड पहला वाला। ठीक है, तो न्यू स्लाइड में हमारा आंसर आएगा स्लाइड शो तो जैसे कि लिखा हुआ है कि न्यू स्लाइड। ठीक है, तो न्यू स्लाइड में हमारा ऑप्शन मैचिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, ओपन स्लाइड शो मेनू। ओके, अब देखते हैं दूसरा लेआउट, लेआउट का हमारा मैचिंग होगा यहाँ पे सिलेक्टिंग द लुक्स ऑफ स्लाइड। तीसरा हम देखते हैं स्लाइड शो, स्लाइड शो में हमारा मैचिंग होगा यहाँ पे स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वहां से हमारा आंसर आएगा लास्ट वाला। ठीक है,
ये रहा, ये आंसर आएगा। स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग, उसके बाद है फ्रॉम करंट स्लाइड, उसमें हमारा ऑप्शन आएगा ये वाला, स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द सिलेक्टेड साइड। लास्ट में देखते हैं पिक्चर, तो पिक्चर का हमें ऑप्शन कनेक्ट करना है इंसर्ट पिक्चर के साथ, ठीक है, इंसर्ट पिक्चर इन स्लाइड, और लास्ट बचा है सेव एज, तो सेव एज का हम मैचिंग करेंगे सेव प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, आगे देखते हैं, हमें डेफिनेशन लिखनी है, प्रेजेंटेशन क्या है, स्लाइड्स क्या है, स्लाइड शो क्या है, करंट स्लाइड कौन सी है, प्लेस होल्डर कौन से है, ग्रुपिंग कौन सा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पूरे के पूरे यूनिट में इजीली पढ़ लिए हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो स्लाइड शो है, वो वन बाय जो स्लाइड्स है वो वन बाय वन है, देखने की प्रोसेस है। स्लाइड्स क्या है, तो वो एक ब्लैंक पेज की तरह होता है जिसमें हम पिक्चर्स हैं, ग्राफिक्स है वो ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शो क्या है, स्लाइड शो है वो सारी स्लाइड्स को वन बाय वन देखने की, देखने का जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं। करंट स्लाइड कौन सी होती है, जिसमें हम वर्किंग कर सकते हैं, जो हमें स्लाइड डिजाइन एरिया में देखने को मिलती है उसी को कहते हैं करंट स्लाइड। प्लेस होल्डर कौन से होते हैं, तो जिसको जिसकी मदद से हम हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको मूव करवा सकते हैं, उसकी जो साइज है वो चेंजेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। लास्ट में है ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग क्या है बच्चों, तो ग्रुपिंग ग्रुपिंग की मदद से हम जो भी पिक्चर्स होते हैं ना उसको हम ग्रुप कर सकते हैं, यानी कि कट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।